एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमावर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना करने के पश्चात घाट पर साफ सफाई की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 5 जून से 16 जून गंगा दशहरे तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से नदी नालों और ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाबों, झील, कुएं, बावड़ी आदि के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान में नर्मदा नदी के घाटों पर साफ सफाई की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देवास जिले में लगभग 5,65,00,000 रुपए की राशि से लगभग 3,078 जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवास जिले में रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर बारिश के पानी के संग्रहण के लिए कार्य किया जा रहा है। नर्मदा नदी के साथ ही शिप्रा, कालीसेन सहित अन्य नदियों को शुद्ध बनाने का कार्य इस अभियान के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नीमावर का ये नर्मदा घाट बहुत पवित्र है। विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से मांग की कि ग्राम तुरनाला में हांडिया बैराज डैम बनने से 5 लड्डू मंदिर को संरक्षित किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 5 लड्डू स्थान को विकसित कर अद्भुत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नीमावर घाट के समीप स्थित दंडी स्वामी आश्रम में संत श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। लगभग यहाँ 5,65,00,000 से अधिक लागत के 3,078 जल संवर्धन के और जीर्णोद्धार के काम कराए जा रहे हैं। देवास जिले में 1,78,00,000 की लागत से 650 से अधिक नगरीय क्षेत्र में और 3,88,00,000 की लागत से 2,400 से अधिक जल संरचनाएं, नदी, तालाब, हमारे कुएं, बावड़ी सबका जीर्णोद्धार और साफ सफाई के काम कर रहे हैं। जिले में 196 पुराने तालाब, इसके बहाने से वो तालाब कितने इसकी एक तरह से गिनती भी करा रहे हैं, ऑडिट भी करा रहे हैं। 105 टेक डैम, स्टॉप डैम, 172 बावड़ियों पे जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार का काम चालू कर रहे हैं। अपने मकान में अपना पानी पृथ्वी के गर्भ में डालने के लिए रूप वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अमृत संचय अभियान के 250 से ज़्यादा काम कराए जा रहे हैं। और देवास जिले से निकलने वाली कालीसिंध नदी की साफ सफाई और इसका कैचमेंट एरिया भी कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2028 में कुंभ मेला सिमस्त जिसको हम कहते हैं और उसके लिए छिपरा और अन्य अन्य जल स्रोत जितने हैं इस पर भी जुड़े हुए सभी कामों पे काम कर रहे हैं। खास करके प्रयास कर रहे हैं कि छिपरा के जल से ही कुंभ का स्नान हो। हमारे लिए अभी नर्मदा जी के साथ साथ छिपरा जी का अपना जल स्रोत भी सुरक्षित रहे, यद्यपि नर्मदा जी से हमारी खेती के और बाकी कामों का लाभ मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 5 तारीख से चलने वाला 16 जून तक का ये गंगा दशहरे अभियान तक चलने वाला अभियान हमारे उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर काशी आश्रम के गुरु शरणानंद जी के माध्यम से इस पूरे आयोजन का समापन होगा और आपके माध्यम से आज ये नवावर का तीर्थ धन्य हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।